ये क्या है, समझ में नहीं आने लगा। खाली बातें होने लेकर काम भी होने वाला समझ में नहीं आ रहा। डेढ़ महीने से ये नमाजा को आने जाने वाले कितनी परेशानी। वहाँ देखो जरा, पेट्रोल के अंदर पानी जा रहा है, पानी की वो तरकारी ले जाकर लोग खा रहे हैं और मालूम नहीं पड़ रहा गटर का पानी इसका पानी कर को। और वो कॉर्पोरेशन वाले अभी तक नहीं कर रहे। आज अगर रविंद्र और लोगों में संडा से लगे हमारे बच्चे बीमार है। सर नेक्स्ट डोज होगा सर, लास्ट चार्ज मारते थे 15-20 डेज में कंप्लीट मार ट्राई मारते। ये इंडिया का सर, पांच बार इधर आकर सर्वे भी हुआ है सर, अब तक नहीं हुआ। लोगों के अंदर गुस्सा है। क्या होता है सर, जो यहाँ से नमाज को वगैरह जाने वाले लोग रहते, ड्रेनेज का पानी है, तो इसको कब कंप्लीट करने वाले लोग परेशान है सर। सर 15 डेज होगा अटेंड मार कुर्ते। ए डब्ल्यू सचिन साहब कहते हैं कि 15 दिन में इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर आना हुआ, सर्वे होता है, मैप जमते हैं, एक तरह का तमाशा देखने को मिलता है, लेकिन अब तक कोई हल नजर नहीं आया। लोगों में यहाँ पर दम गुस्सा देखने में आ रहा है। 15 दिन में होता है सर, वो बता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कॉर्पोरेटर भी मौजूद है, मुजम्मल डब्ल्यू साहब बताइए। लोग हमेशा परेशान रहते हैं और हमेशा यहाँ की कंप्लेंट है, फरियाद है। ये कब कंप्लेंट, ये मुकम्मल कब होगा काम? जैसा 15 दिन का तो वादा ये कर रहे हैं, आप बताइए। नहीं नहीं, 15 दिन तो बहुत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नमाज को जाने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। नमाज को यहाँ वेजिटेबल लेने के लिए भी लोग यहाँ बहुत आते हैं। 15 दिन नहीं, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर हमने उनको बोला है कि पीने वाले पानी डिवाइड करो। ये मसला क्यों हुआ कि पहले कोतवाली, सिर्फ कोतवाली को पानी जाता था, तो वहाँ के लोगों ने वो पानी को रोका था। अभी उनके साथ हमारी बातचीत हुई है, कोतवाली थोड़ा, दरबार गली थोड़ा, जारवार गली थोड़ा करके डिवाइड करके उसको प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हम सॉल्व करेंगे। परमानेंट सोल्यूशन निकाल के छोड़े तो बोले तो हर बारिश के अंदर प्रॉब्लम आता ही है। इसके लिए इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल के देंगे बोले तो आगे किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ ये एक और कांग्रेस कारकुन है, शकील मुल्ला साहब। शकील मुल्ला साहब, ये यहाँ से बार बार पानी सब्जी के दरमियान इनकी ड्रेनेज का पानी जाता है, लोग उसी सब्जी को खरीद कर। एक्चुअली मसला क्या है, यहाँ पे ड्रेन क्लीन नहीं है। क्लीन नहीं होने का कारण बोलते यहाँ पे कैसा है, गटर्स के ऊपर कंक्रीट का वर्क हुआ है। तो अभी जस्ट लक्ष्मी निपानीकर मैडम आए थे, उनके सामने हम लोगों ने प्रॉब्लम बताया है। अभी एडब्ल्यू का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एवरी हर 8 या 10 फीट के बीच में जहां पर भी जरूरत है वहां पे सीमेंट ब्रेकर से, कंक्रीट ब्रेकर से उतना ओपन करके वहां पे कुछ एक फैसिलिटी ऐसे करेंगे कि कम से कम गटर क्लीनिंग करने आना चाहिए। नहीं नहीं, आप लोगों के बातों पर अब आवाम को भरोसा दे रहा है, क्योंकि बार बार इस तरह का हुआ, कई बार यहाँ पर आना है सर्वे। बात सुनो, बोलता हूँ, ये अभी 4-6 महीने की बात नहीं है, पिछले 8-10 बरस से मसला चल रहा है यहाँ पे। इसके पहले 2 MLAs हो गए हैं, कॉर्पोरेटर्स हो गए हैं। अभी हम लोग जब चार्ज लेके 4-6 महीने हो गए हैं। अभी हमारा तो कैसा है, जितना भी रिक्वायरमेंट है काउंसिल में और डिपार्टमेंट को हम लोगों ने दिया है, जब हमारा वो अप्रूवल होके आएगा। रिसेंटली मैं लक्ष्मी निपानीकर मैडम ने बोला है कि इधर का चेंबर लाइन वगैरह सभी अप्रूवल हुआ है, आफ्टर नेक्स्ट मंथ 28 तारीख के बाद में इसका काम स्टार्ट करेंगे वो। क्योंकि क्या होता है, कोई भी वर्क करना है तो उसको एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि लाके कंक्रीट डाले, गटर पैक करे, अब तक वादा करके नहीं होने के पीछे वजह क्या? अभी तक तो किसी को वादा किए नहीं है, लेकिन सर्वे तो हुआ है ना, 5 लाख हो रहा है। सुनो, बोलता हूँ, सर्वे हो रहा है, वादा किए नहीं है। क्योंकि ये जो भी है फाइनेंशियल वादा कर रहे हैं, अभी फाइनेंशियल मैटर का है, अभी अप्रूवल हो रहा है जैसा डिपार्टमेंट ने बोला है, वो सबसे अभी
28 तारीख के बाद बोले हैं। हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसके आगे फॉलो अप ले रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमको डिपार्टमेंट से जुबानी आई नहीं थी, आज जुबानी आई है, तो हमारा अभी इसके आगे एक वादा है कि फॉलो अप करके काम कंप्लीट करके लेंगे। हमारा जो परेड है, ये परेड में हमारे वार्ड में कोई भी ऐसा मसला रखेंगे नहीं कि अगले कार्पोरेटर को जो हमको तकलीफ हो रही हो, आने वाले कार्पोरेटर को ना हो। ये जो गटर का प्रॉब्लम है, ये सीढ़ी जब बैंक के साथ एमएलए थे, जब बनाने के टाइम पे मैं ऑब्जेक्शन बनाया था, ऑब्जेक्शन बनाने के बाद मैं उधर से गटर करता हूँ करके बोल के 7-8 साल से इतने हमारे को प्रॉब्लम कर दे रहे। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कार्पोरेटर को बुलाएंगे तो कार्पोरेटर आगे झाकता नहीं था, मैं कार्पोरेटर नहीं हूँ करके बोलता था, और हमारे गली में कोई भी आके उन्हें साफ नहीं करता। एक भाई आती है, एक भाई आके साफ करके जाती है, गटर साफ करो करके बोले तो गटर साफ नहीं करते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जाने आना मुश्किल हो रहा है, उसमें से उन्हें बांस आ रहा है, मच्छर आ रहा है, बच्चे बहुत प्रॉब्लम में आ रहे। क्या कार्पोरेटर को जाके बोलेंगे तो कार्पोरेटर एक ना आता नहीं बोलता, शकील मिलना तो हम किसके पास जाना, हम ऑफिस में जाके कंप्लीट देंगे, बाद में भी एक ना कोई भी आके देखता नहीं। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, अभी आके मैडम बोले कल से आके काम चालू करते हैं बोल के, अब देखेंगे कल का क्या है। हमारे साथ शीतल सैनिटरी इंस्पेक्टर है सर, जो हर साल का और यहाँ से न सिर्फ गली घरों में जाता है बल्कि सब्जी भी लोग उसी के करीब पर खाते हैं जो ड्रेनेज का पानी, उसे ये कब होने वाला है, क्या ये हमेशा की तरह सिर्फ आना है देखना है, क्या है, कितना टाइम लेंगे आप? सर हम इसका क्या है साफ सफाई करने का सेक्शन में है, तो मैडम ने आके अभी बोल के बोल दिया है, तो उसका हिसाब से और निर्देशन से हम काम करते हैं। उन्होंने निर्देशन दिया हुआ है, अब ये साल पक्का होगा, अभी इस बार कर रहे। कितना टाइम लगेगा सर? देखेंगे सर कितना होता है, करने को चालू किए हैं, आज से चालू करने वाले, चालू कर रहे हैं, देखेंगे सर। फिर से इंस्पेक्शन होने वाला है कि काम भी होने वाला है? काम चालू कर रहे हैं सर, इसके पहले भी इंस्पेक्शन बहुत हो, इसके पहले भी इंस्पेक्शन बहुत हो गया सर, लेकिन काम नहीं हुआ, काम इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कोई भी आया नहीं, आज आया हमारा प्रॉब्लम है, आज देख के जा रहे हैं लेकिन कल कोई नहीं आता। आज वो भी क्यों आए, हम लोग इधर डीसी भी लगा के मैडम आके अभी बोल के गए सर, हम चालू कर रहे हैं काम।